तब समझना कि कोई अच्छे दरवाजे पर अच्छी जगह पर अपन पहुंच गए। जैसे आप सब अगर आज शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो तुम यहां से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहाँ रहती है, कहाँ गई थी, तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का है, यहाँ खदाने हैं कोयले की और कोयला ही कोयला यहाँ निकलता। अब कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है, बस हीरा को परखैया चाहिए कि वो परखदार हीरे को पहचान जाए कि ये हीरा है। जो नहीं जानता वो हीरे को यूं ही कोयले में ही बेच देता। कोई कोई अगर उस खदान में जो रहता है, खदान खोदने वाला जो रहता है, खदान का मालिक जो रहता है, अगर वो परखैया है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस कोयले की खदान में एक छोटा सा कंकर मिला है और वो कंकर साधारण नहीं है, कोहिनूर हीरा है। बस वो पहचान जाए, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र, उसकी आंखें अगर वो हीरे को पहचान जाए तो समझ लो कि वो कोई परखैया अच्छा है, जिसने इसको परख कर लिया है, जिसने इसको परखा है, जो इसको परख चुका है। जो परखैया नहीं होता, जिसमें परख नहीं होती, वो कोयले की खदान में हीरा उसके हाथ में अगर आ भी जाता है तो कंकर समझकर वो फेंक देता है। परखैया होगा तो हीरे की कीमत को जानेगा। बानी में इतने सारे भक्त रहते हैं, यवतमाल जिले में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी सब शिव महापुराण के परखदार नहीं होंगे। हीरे को परखने वाले यहां बैठे हुए हैं जो हीरे को परखते हैं कि शिवपुराण है क्या। कोई कहेगा गुरुजी 5 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कहेगा इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो शंकर जी की शिव पुराण की कथा तक पैदल चल लेता है, फिर उसको बैकुंठ तक पैदल नहीं जाना पड़ता, नंदी पर बैठ कर ही जाता है। फिर वो सहज नहीं है, साधारण नहीं है, उसमें कोई सहजता नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। अगर आप बैठे हैं भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, परखदार है, परखैया है, हीरे की खदान में से कंकर बहुत निकलेंगे, उसमें से हीरे को परखना, हीरे को जानना है क्या यह हीरा श्रेष्ठ है, यह हमारे काम का है, क्या यह हीरा श्रेष्ठ है, क्या यह हमारे काम का है, उसको परखना पड़ेगा। अजामिल
भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, उसका मन बिना भगवान के लगता ही नहीं था। उनके सामने जिनका मन बिना शिव पुराण के एक मिनट भी नहीं रहता, उसमें से आप भी हैं, आप कोई अलग से नहीं है, आप भी उसी में ही हो। चैनल बदल बदल के ढूंढा करते हो कौन से चैनल पे आ रहा है, देखना जरा, एक बज गई महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया, कौन वो सियोर वाला पागल आ रहा है? देखो जरा वो, बस वो देखो जरा वो सियोर वाला दिख रहा है क्या? चैनल बदला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो और चैनल चेंज कर देखते हो कि सियोर वाला महाराज आ रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिवपुराण आ रही है क्या, चैनल चेंज कर के देखते हो? बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है, वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है क्या, मेरा भगत यहाँ रहता है क्या? वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ रहे। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी तो वहां पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता है? भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को अपने भक्त को छांटने में लग जाता है, क्या यह मेरा भक्त है, और क्या यह भगवान की अविरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जप करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला है? उसको छांटना है उनको, उसको बीनना है। अब आजकल की बहुओं को तो सब सामान जो है ना बड़ा सरलता में मिलने लगा, मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, छटा छटाया, बिना बिनाया तिल्ली मिल जाती है। तिल पहले के ज़माने में तो तिल अगर आता था तो यहाँ पर माताएं बुजुर्ग बैठी होंगी, बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, और कई बड़ी बड़ी जेठानियाँ और नंदे आदिक जो बैठी होंगी उनको मालूम होगा, तिल लेकर आओ। फिर उसको बोलो जरा लड्डू बनाने से पहले क्या करना पड़ता, तिल को पहले धोना पड़ता, धो के फिर सुखाना पड़ता, सुखाने के बाद वापिस छांटना पड़ता, छांटने के बाद फिर उसको वापिस चलनी से चालना पड़ता, छानने के बाद में फिर लड्डू बनाए जाते हैं। आज के ज़माने में तो तुरंत बाजार से गई, बिनी बिनाई तिल्ली आ गई, धोने की जरूरत नहीं, तिल्ली आई, लड्डू मिलाया और निपटा निपटू के। कितनी जल्दी, अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो आज के ज़माने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से काम हो जाए, एक बार बस फोन करो पिज्जा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया। अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड पाप ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा,
भैरव सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे, अब भगवान के पास भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूख व्हाट्सएप पर उसी के अब भोजन करते हुए नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, ए जी सुनो तो क्या, तो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चले। इतने में पति बोलेगा, एक दिन की छुट्टी मार के चले, उसमें क्या दिक्कत। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आज का, उसको मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे, हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए, हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति, अजामिल भक्त है भगवान का भक्त, अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है। पर एक गलती अजामिल से हो गई, एक गलती अजामिल से। एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले की ओर लेकर चली। एक गलती, क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रही। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका फल वो देता ही है। फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल एक
वैश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वैश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वैश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजमिल को, जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वैश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला है। होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन कह रहा, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे, और अगर कहीं आना मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है, और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे। दुख काटो दया करी मैं दर्शन आऊं, शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी, ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं जरूर देता है परमात्मा। उस कर्म का फल हमको जरूर देता, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाऊं, ध्यान से सुनना, अगर तुमने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल तुमने समर्पित करा है तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाए। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो
तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी सारंग धावेकर रा भद्रावती जिला चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी और उसमें ब्लड के थक्के थे, उनकी याददाश्त भी चली गई थी, खाना खाते तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते तो भूल जाते, याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई, याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए, डॉक्टरों के हिसाब से उनकी जो नस ब्लॉक हुई थी उसके अनुसार उनको जिंदगी भर दवाई लेना थी, और वो रहते तो ऐसे ही रहते जैसे वो थे, याददाश्त उनकी कमजोर हो गई, नस ब्लॉक हो गई। नागपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया, उसमें भी यही बताया गया। अब हम करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिवजी पे से लेकर आते, पिताजी को देते और उनको भी मंदिर जाना प्रारंभ करवाया। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। बाबा का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से हम लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी, शिवजी को जल चढ़ाने की उनको आदत डाली, वो रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे पिताजी को एक भी गोली की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त पूरी आ गई और जब उनकी जांचें कराई तो नस भी पूर्ण तरह से खुल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, दिल तुझको दिया ओ भोले। धन्यवाद बहन, बैठिए। श्री शिवाय। अब ठीक है वो, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, शंभु ओघड़ी है। एक पत्र और लिखा है किसी ने, बैठिए। मैं दीक्षा कोटावर गांव पारणी तहसील कोरपना जिला चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा है, हाथ हिला दीजिए एक बार। बहुत पीछे हैं क्या? हाँ ठीक है, दीजिए ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ऐसा बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया, ठीक है। मैं दीक्षा कोटावार गांव पारड़ी तहसील कोरपना जिला चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शादी को कई वर्ष हो गए थे, झोली भरी है तो उसी ने भरी है। आप कहते हैं बाबा के मंदिर में सफाई करना, शिवजी के मंदिर में श्रृंगार करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना, शिवजी के मंदिर की आराधना करना, कुछ भी खाली नहीं जाता। बाबा, आज मुझसे कोई पूछे, मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा, मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुनी, गर्व नहीं ठहरता था, कई बार डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया, तब आपके कहने पर शिव मंदिर में सफाई करना, शंकर जी का श्रृंगार करना, फूलों से सजाना, शिवरात्रि पर भी यही क्रम करा, बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्व ठहर गया। टेस्ट कराया, बच्चे में बहुत सारी तकलीफें बताई गई, पर हमारा विश्वास पक्का था, इतने दिन के बाद भोले बाबा ने अगर संतान दी है तो संतान सुरक्षित रखना भी उसी का काम है। गुरुदेव,
बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग बच्चे को बता दिए थे, पर आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मुझे ऐसी करुणा कर दी कि मेरे घर में बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आ सकी, पर मैं बाबा को यह धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में संतान दे दी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिना जा रहा अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठालो। शिव कथा कर, अपने विश्वास को दृढ़ करिए। अजामिल के, अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया, प्रभु कृपा, अगर एक लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया, भगवान शंकर का भजन कराए, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जाए। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है, हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिखकर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास कहता है 15 दिन, 1 महीना, उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गया, परमात्मा प्राप्त। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, घर का एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले और जैसे ही संत गए, अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो? काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर वो ब्राह्मणी बन गई।
हम आपके यहाँ भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा, मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिवमहापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिवमहापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ, जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा कर, जब शिव तुमको दे तब कर, या अपना कुछ हो अपने पास में तो करा। कर्जा लेकर उठाकर धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है तेरा तुझको। उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा, कर्जा लेकर नहीं। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, एक रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांग कर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जी जी देना मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना मैं बाद में, एक रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ, तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने, किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारका नाथ, बद्री नाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए, ना, शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का,
हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है। क्या काम का धन? इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल, लिखना मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु, नैनों पे लिखना दर्शन हाथों में शिवजी की सेवा लिखना, हाथों शिवजी की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, हो लिखण वाले तू हो के दयाल, लिखना मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यारे, पाऊं पे लिखना जाना गुरु द्वारे, पाऊं पे लिखना नमस्तुभ्यम, लिखना मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यारे। ये लिखा अपने भीतर परमात्मा से कहना, ये सब लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो जरा, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। कटे हुए सेव फल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, और आंखों से दिखे ही नहीं, तो वो एप्पल किस काम का? फिर तो पपीता ही अच्छा, का मतलब घर में इतने बड़े 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 स्पीकर रखे हैं, टीवी में अलग से वॉल्यूम लगा हुआ है, कानों में आवाज ही नहीं, तो वो डीजे और स्पीकर का मतलब क्या? बोलो री जी जी, हाँ सही है कि गलत है? हैं? सही है क्या मतलब? एक से बढ़कर एक बक्कल रखे बालों में लगाने के। अब सीओर वाले महाराज जैसे बाल ही नहीं,
तो बक्कल का खाक लगा। हे बाबा, अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से।